हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान अमेरिका के डिलावेयर में क्वाड समिट के दौरान दिया। पीएम मोदी ने कहा, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक हमारी प्राथमिकता है। क्वाड आपसी साझेदारी और सहयोग के लिए है। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। 21 सितंबर को वो राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर पहुंचे। जो बाइडेन ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान बाइडेन ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। भारतीय समय के मुताबिक रात 1:30 बजे क्वाड बैठक शुरू हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा शामिल हुए। बैठक के एजेंडे की बात करें तो ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कोस्ट गार्ड्स और सैन्य जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई। समुद्री सीमा से जुड़े विवादों की UNCLOS के नियमों के तहत निपटाने के लिए कहा गया है। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई। नॉर्थ कोरिया से अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करके बातचीत की टेबल पर लौटने के लिए कहा गया। कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को खत्म करने पर भी जोर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चिंता जताई गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की बात कही गई। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई। इसमें क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, मुंबई के 26/11 हमले, पठानकोट आतंकी हमला और 9/11 के आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया। यूएन में सुधारों को लेकर भी संयुक्त बयान में जोर दिया गया। सुधारों के जरिए यूएन को समावेशी और अधिक प्रभावशाली बनाने पर प्रतिबद्धता जताई गई। यूएनएससी में अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों को शामिल करने की बात कही गई। बैठक के बाद क्वाड लीडर्स का फोटोशूट हुआ, जिसमें जो बाइडेन से पत्रकारों ने सवाल पूछा, अमेरिकी चुनाव के बाद क्वाड का क्या भविष्य होगा। इस पर बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अमेरिकी चुनाव के बाद क्वाड बना रहेगा। क्वाड समिट के बाद चारों नेताओं ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक देशों को सर्विकल कैंसर के लिए 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड समिट इस साल भारत में होना था, लेकिन बाइडेन के अनुरोध पर इसकी मेजबानी अमेरिका को दे दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल क्वाड की मेजबानी भारत करेगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।